नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खास एलईडी जो वायरिंग होती है वो कैसे फिटिंग करते हैं और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर जो रेड वायर है प्लस वायर है, तो ये प्लस यहाँ पर जोड़नी है, तो एक टुकड़ा और लेना है आपको। तो वो जो एक टुकड़ा है इसके माइनस पर जोड़ना है, जो एक नंबर की एलईडी पट्टी है इस तरह से, और ये माइनस वाला जो टुकड़ा है यहाँ पर दूसरे एलईडी पट्टी को प्लस पर लगाना है, जो प्लस लिखा होता है वहाँ पर इस तरह से। और ये सफेद जो वायर आई है ये यहाँ पर माइनस में जोड़ देना है इस तरह से। इसकी सीरीज में वायरिंग होती है, ना कि पैरेलल में। तो इस तरह से वायरिंग करने के बाद थोड़ा सा मैं वायर खींच लेता हूँ, ज़्यादा हो गया तो इस तरह से ये वायर लगा देना है। फिर इसको सेलो टेप होता है, वहाँ से हम इसको चिपका देंगे सिक्योरिटी के लिए इस तरह से, क्योंकि वायर हिलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया है, यहाँ पर भी एक टेप लगा देता हूँ। और अभी हम सबसे पहले डायरेक्टली मदरबोर्ड पे कभी वायरिंग या एलईडी जो स्ट्रिप होती है वो कभी चेक नहीं करना। सबसे पहले जब हम वायरिंग करते हैं तो एलईडी टेस्टर होता है, उसके ऊपर हमें चेक करना होता है, क्योंकि कभी इसके अंदर फॉल्ट हो जाता है या एलईडी के पट्टी के अंदर कभी फॉल्ट आ जाता है तो मदरबोर्ड खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एलईडी टेस्टर पे चेक करेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड पे लगाएंगे। तो अभी मैंने टेस्टर ले लिया है, अभी जहाँ पर वायरिंग आई है प्लस माइनस मदरबोर्ड की, वहाँ पर हम ये चोपड़ों पे रखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस आया था और यहाँ पर माइनस आया था, तो इस तरह से इसको लगाने के बाद ये देखिए ये स्ट्रिप चालू हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक से लगाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों पट्टी अच्छे से लग चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एलईडी पट्टी में। एक बार मैं और लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए, जब चेक करेंगे तभी समझ में आना चाहिए हमें कि कौन सा एलईडी लाइट कम ज़्यादा हो रहा है। तो वो कभी ऐसा लगता है तो वो एलईडी पट्टी यहाँ पर नहीं लगानी है, और एकदम ओके लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी चेक करते समय ये देख लेना, कोई जो एलईडी लाइट होता है कभी कभी कम ज़्यादा होता है, तो उसको नहीं लगाना है आपको, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से ये जो मैंने चेक किया, और यहाँ पर मैं अभी इसको मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर भी लगा कर आपको चेक कर देता हूँ। तब तक दोस्तों, आपने कभी मेरे अभी तक वीडियो देखे हो या नहीं हो, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक के रिपेयरिंग के वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसको इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इंटरेस्ट है वो देख सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड ऑन किया है, ये देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय का लाइट रेड लग चुका है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ये लाइट बंद हो जाएगा। ये देखिए स्टैंड बाय से निकल चुका और यहाँ पर बैक लाइट भी लग चुके हैं। इसका मतलब ये पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है, और इस तरह से बैक लाइट फिटिंग कर दिया है मैंने। तो ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।